अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉम्स किचन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम आल्सो वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे नान खताई, जो कि 16वीं सदी में इन्वेंट हुई इंडियन स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले ली, उसमें 130 ml घी ऐड करें, 125 ग्राम्स पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। इसे विस्क से अच्छी तरह बीट कर लें 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये लाइट और फ्लफी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा 125 ग्राम्स, ग्राम फ्लोर यानी बेसन 55 ग्राम्स, सेमोलिना यानी सूजी 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर यानी पिसी हुई इलायची। पहले हम इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसे हल्के हाथ से गूंद लेंगे। नान खताई की डो को बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना। डो रेडी है, अब हम इससे बॉल बनाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े साइज की बना सकते हैं। अच्छी तरह प्रेस करके विदाउट क्रैक आप इस पे बॉल बनाइए और उसे हल्का सा प्रेस करके शेप दे लीजिए। अब इस पे एग योक यानी अंडे की जर्दी की कोटिंग करें। और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा लें, जो भी आपके पास हैं। मेरे पास आलमंड और मेलन सीड से, मैंने वही यूज़ किए। अब इसे ठंडा होने के लिए 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और अपने ओवन को प्री हीट करें 150 पे कन्वेक्शन मोड पे, और फिर इसे बेक करें 150 पे ही 25 टू 30 मिनट के लिए। नान खताई रेडी है। बहुत खस्ता और बहुत मुनफरिद जायके वाली, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।